हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज हम महाराष्ट्र स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं कि महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितनी रैंक तक कौन सी ब्रांच मिल सकती है कैटेगरी वाइज। साथ में गवर्नमेंट कॉलेजेस को देखने के बाद फिर हम प्राइवेट कॉलेजेस की भी बात करेंगे, जिसमें मैनेजमेंट कोटा सीट्स की बात होगी और साथ में कैटेगरी वाइज जो सेमी गवर्नमेंट की सीट्स हैं उस पर भी बात होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की। गवर्नमेंट कॉलेजेस में एनेस्थीसिया फॉर ओपन कैटेगरी अप टू 24,000 रैंक मिल सकती है, फॉर ईडब्ल्यूएस अप टू 23,000 रैंक मिल सकती है, फॉर ओबीसी अप टू 28,000 ऑल इंडिया रैंक मिल सकती है, फॉर एससी अप टू 43,000 ऑल इंडिया रैंक मिल सकती है, फॉर एसटी अप टू 81,000 ऑल इंडिया रैंक मिल सकती है, फॉर डर्मेटोलॉजी फॉर जनरल कैटेगरी फॉर ओपन कैटेगरी अप टू 2,000 रैंक मिल सकती है, फॉर ईडब्ल्यूएस अप टू 3,800 रैंक मिल सकती है ऑल इंडिया रैंक, फॉर ओबीसी अप टू 3,500 ऑल इंडिया रैंक, फॉर एससी अप टू 12,000 ऑल इंडिया रैंक, फॉर एसटी अप टू 26,000 ऑल इंडिया रैंक, फॉर जनरल मेडिसिन ओपन कैटेगरी अप टू 5,000 ऑल इंडिया रैंक, फॉर ईडब्ल्यूएस अप टू 4,000 ऑल इंडिया रैंक, फॉर ओबीसी अप टू 5,200 ऑल इंडिया रैंक, फॉर एससी अप टू 37,000 ऑल इंडिया रैंक एंड फॉर एसटी अप टू 33,000 ऑल इंडिया रैंक, फॉर पीडिया फॉर द जनरल कैटेगरी अप टू 8,500 ऑल इंडिया रैंक, फॉर ईडब्ल्यूएस अप टू 9,500 ऑल इंडिया रैंक, फॉर ओबीसी अप टू 9,000 ऑल इंडिया रैंक, फॉर एससी अप टू 24,500 ऑल इंडिया रैंक एंड फॉर एसटी अप टू 37,000 ऑल इंडिया रैंक, फॉर सेक्रेटरी फॉर ओपन अप टू 16,500 ऑल इंडिया रैंक, फॉर ईडब्ल्यूएस अप टू 15,000 ऑल इंडिया रैंक, फॉर ओबीसी अप टू 17,500 ऑल इंडिया रैंक, फॉर एससी अप टू 32,000 ऑल इंडिया रैंक एंड फॉर एसटी अप टू 85,000 ऑल इंडिया रैंक, फॉर रेस्पिरेटरी मेडिसिन फॉर जनरल कैटेगरी अप टू 9,500 ऑल इंडिया रैंक, फॉर ईडब्ल्यूएस अप टू 8,000 ऑल इंडिया रैंक, फॉर ओबीसी अप टू 10,500 ऑल इंडिया रैंक, फॉर एससी अप टू 25,000 ऑल इंडिया रैंक एंड फॉर एसटी अप टू 32,000 ऑल इंडिया रैंक, फॉर रेडियो जनरल कैटेगरी अप टू ओपन सीट फॉर ओपन कैटेगरी अप टू 3,500 ऑल इंडिया रैंक, फॉर ईडब्ल्यूएस अप टू 3,200 ऑल इंडिया रैंक, फॉर ओबीसी अप टू 3,400 ऑल इंडिया रैंक, फॉर एससी अप टू 12,200 ऑल इंडिया रैंक, फॉर एसटी अप टू 18,000 ऑल इंडिया रैंक, फॉर ईएनटी फॉर ओपन सीट अप टू 22,000 ऑल इंडिया रैंक, फॉर ईडब्ल्यूएस अप टू 27,500 ऑल इंडिया रैंक, फॉर ओबीसी अप टू 28,500 ऑल इंडिया रैंक, फॉर एससी अप टू 41,000 ऑल इंडिया रैंक एंड फॉर एसटी अप टू 61,000 ऑल इंडिया रैंक, फॉर जनरल सर्जरी फॉर ओपन अप टू 11,000 ऑल इंडिया रैंक, फॉर ईडब्ल्यूएस अप टू 12,000 ऑल इंडिया रैंक, फॉर ओबीसी अप टू 13,200 ऑल इंडिया रैंक, फॉर एससी अप टू 33,000 ऑल इंडिया रैंक एंड फॉर एसटी अप टू 60,000 ऑल इंडिया रैंक, फॉर ओबीजीवाई फॉर ओपन अप टू 9,000 ऑल इंडिया रैंक, फॉर ईडब्ल्यूएस अप टू 10,500 ऑल इंडिया रैंक, फॉर द ओबीसी अप टू 11,000 ऑल इंडिया रैंक, फॉर एससी अप टू 26,000 ऑल इंडिया रैंक, फॉर एसटी अप टू 42,000 ऑल इंडिया रैंक, फॉर ऑप्थल फॉर ओपन अप टू 15,000 ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यूएस अप टू 18,500 ऑल इंडिया रैंक, ओबीसी अप टू 19,500 ऑल इंडिया रैंक, एससी अप टू 35,000 ऑल इंडिया रैंक, एसटी अप टू 53,000 ऑल इंडिया रैंक, फॉर ओपन अप टू 9,500 ऑल इंडिया रैंक, फॉर ईडब्ल्यूएस अप टू 10,000 ऑल इंडिया रैंक, फॉर द ओबीसी अप टू 11,000 ऑल इंडिया रैंक, फॉर एससी अप टू 28,500 ऑल इंडिया रैंक एंड फॉर एसटी अप टू 31,500 ऑल इंडिया रैंक। सो दिस इज ऑल अबाउट प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस दैट टिल व्हाट रैंक विच ब्रांच यू कैन गेट। नाउ कम टू द प्राइवेट कॉलेजेस। इन प्राइवेट कॉलेजेस देयर आर सेमी गवर्नमेंट सीट एज वेल एज मैनेजमेंट सीट। So first we will see for both of them, for management seat also and for semi-government seat also. Again, semi-government would also be divided amongst categories, like in semi-government also open category, SC, ST, OBC, these categories will be considered. So we'll see according to category wise. For anesthesia management, for management seat up to 57,000 all India rank. For open up to 34,000 all India rank. For OBC up to 38,000 all India rank, for SC up to 57,000 all India rank and for ST up to 1,10,000 all India rank. For dermatology for management up to 25,000 all India rank, for open up to 4,200 all India rank,
for OBC up to 11,500 All India Rank, for OBC up to 4,500 All India Rank, for SC up to 25,000 500 All India Rank, for ST up to 44,000 All India Rank, for General Medicine, for Management up to 26,000 All India Rank, for Open up to 9,000 All India Rank, for OBC up to 9,500 All India Rank, for SC up to 26,500 All India Rank, for ST up to 44,200 All India Rank, for PDR, for Management up to 37,000 All India Rank, for Open up to 13,500 All India Rank. Now I am talking about private colleges, like private colleges की हम जो सेमी गवर्नमेंट की सीट्स है उसमें कैटेगरी वाइज बात कर रहे हैं। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस में कैटेगरी वाइज की हमने बात की थी। तो जब हम प्राइवेट कॉलेजेस में बात करें तो इसमें मैनेजमेंट सीट्स भी देखेंगे और सेमी गवर्नमेंट सीट भी देखेंगे। इसलिए पहले मैं आपको मैनेजमेंट की बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ। सो कीप दैट इन योर माइंड। सो सेक्रेटरी फॉर ओपन अप टू 19,000 All India Rank, for OBC up to 25,000 All India Rank, for SC up to 31,000 All India Rank, and for ST up to 110,000 All India Rank. For Radio Management up to 25,000 All India Rank, for Open up to 5,000 All India Rank, for the OBC up to 8,000 All India Rank, for SC up to 25,000 All India Rank, and for ST up to 30,000 All India Rank. For ENT, for Management up to 42,000 All India Rank, for Open up to 31,000 All India Rank, for the OBC up to 30,000 All India Rank, and for ST up to 95,000 All India Rank. For General Surgery, for Management up to 41,000 All India Rank, for Open up to 19,000 All India Rank, for OBC up to 21,500 All India Rank, for SC up to 40,500 All India Rank, and for ST up to 70,000 All India Rank. For OBGY, for Management up to 32,000 All India Rank, for Open up to 15,200 All India Rank, for OBC up to 14,900 All India Rank, for SC up to 32,000 All India Rank, and for ST up to 80,000 All India Rank. For Opthal, for Management up to 37,000 All India Rank, for OBC up to 22,000 All India Rank, for Open up to 22,000 All India Rank, for OBC up to 20,500 All India Rank, for SC up to 37,000 All India Rank, for ST up to 88,000 All India Rank, for Ortho, for Management up to 38,000 All India Rank, for the Open up to 21,500 All India Rank, for the OBC up to 20,800 All India Rank, for SC up to 38,000 All India Rank, and for ST up to 70,000 All India Rank. So this is all about private and government colleges. Cutoffs for clinical branches in Maharashtra. If you have any doubt, any query, you can call us on the given number on the screen. As well as, agar aap paid services avail karna chahte hain, to you can call us and you can ask about the paid services. Thank you so much.